दोस्तों, पुराणों में भी ये बात साफ साफ उल्लेखित है कि सर्प मानव होते हैं, जिन्हें हम इच्छाधारी नाग नागिन के नाम से जानते हैं। धरती में कई जगह पर लोगों ने इन्हें अपनी आँखों से देखा है। आप भले ही इच्छाधारी नागों के होने पर विश्वास करो ना करो, परंतु ये दुनिया जितना आप जानते हो उससे कहीं ज़्यादा जटिल है और चमत्कारों से भरी है। और ऐसा ही एक चमत्कार दिखा झारखंड में, जहाँ जब एक नागिन ने गाय को बचाया और जो गाय को काट रहे कसाई थे उनके साथ जो किया सुन हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड के प्रतापगढ़ में रहने वाले सुरेश जी की। सुरेश जी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ अपना घर बार चला रहे हैं। सुरेश और सुमित्रा दोनों ही महादेव के परम भक्त हैं, साथ ही दोनों पशु प्रेमी भी हैं। उनके पास दो गायें हैं जो उनके आंगन में पदी रहती है। उनकी सेवा भाव में दोनों पति पत्नी कोई भी कसर नहीं छोड़ते। गौ माता के समान दोनों गायों को पूजते हैं। जहां सुरेश गाय के लिए हर रोज पास के जंगल से हरी घास लेकर आता है, तो वहीं पत्नी सुमित्रा गायों को रोज नहलाना, उनके स्थान को साफ रखना तथा नियमित गाय का दूध निकालना इत्यादि कार्य किया करती है। भगवान शिव की दया और कृपा से सुरेश और सुमित्रा दोनों का घरबार बढ़िया चल रहा था, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परंतु एक रात अचानक सुरेश की दोनों गायें गायब हो जाती हैं। सुबह जब वे उड़ते हैं तो आंगन में दोनों गायों को ना देख वे घबरा जाते हैं। सुरेश और उसकी पत्नी दोनों तुरंत आसपास की जगह पर अपनी गायों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक कि सुरेश कई गांवों के चक्कर लगाया अपनी गायों को ढूंढने के लिए, परंतु दिन भर खोजने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। जब शाम सुरेश एक गांव से वापस अपने घर लौट रहा था, तब उसे 4-5 व्यक्ति से पूछने पर पता चला कि करीब 3 आदमी एक छोटा ट्रक लेकर आए थे जिसके अंदर 2 गाय रखी हुई थी। वे लोग बहुत जल्दबाजी में थे। हम तो समझ गए थे कि ये गाय को चुरा कर भगा ले जा रहे हैं, परंतु गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी इसीलिए हम कुछ कर न सके। इतना सुनते ही सुरेश सब समझ जाता है और दुखी होकर जमीन में गिर पड़ता है। वो समझ गया था कि कोई कसाई उनके गायों को चुरा कर ले गया, और अब सुरेश के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया। सुरेश घर गया और रोते हुए सारी बात सुमित्रा को बताई। सुमित्रा अपने पति को तसल्ली देते हुए बोली, आप रोते क्यों हो, हम महादेव शिव के भक्त हैं, मुझे विश्वास है कि वे जरूर हमारी मदद करेंगे। और वे कैसे हमारी गायों का अहित होने देंगे, उन गायों के ताज़ा दूध से आप रोज महादेव शिव का अभिषेक किया करते थे, तुम देखना जल्द सब कुछ सही हो जाएगा, आओ हम दोनों महादेव शिव से अपनी गायों के लिए प्रार्थना करें। दोनों शिव की पूजा में लग गए। उधर वो कसाई लोग दोनों गायों को ट्रक में ले जा रहे थे, तभी ट्रक का एक टायर पंचर हो जाता है। कसाईयों को अब चिंता सताने लगती है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया या फिर मुख्य मार्ग से इनको पैदल ले गए तो लोग देखते ही हमें पकड़ लेंगे। उन्होंने सोचा गायों को क्यों ना जंगल के रास्ते ले जाते हैं और वहीं काट देंगे। तीनों कसाईयों ने गायों को एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ में बांधा और उन्हें काटने की तैयारी में जुड़ गए। तभी एक कसाई की अचानक से चीखने की तेज आवाज आती है। दोनों कसाई जब आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कि उनके जो साथी कसाई है उसको एक सांप ने काट लिया है और ठीक पीछे कई सारे सांप भी आ रहे हैं। दोनों कसाईयों ने अपने साथी को उठाया और डर के मारे गायों को वहीं बदा छोड़ भाग निकले। तभी कुछ ग्वाले उधर से निकलते हैं जहां पर वे गायें बधी थी। वे उन बधी गायों को खोल देते हैं। गायों को अपने स्वामी सुरेश के घर का पता था। वे दोनों गायें सीधे घर की तरफ निकल जाती हैं। उधर सुरेश और सुमित्रा जब अपने दोनों गायों को अपने घर के द्वार पर कुशल मंगल देखते हैं तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
सबसे पहले वे अपने महादेव शिव को धन्यवाद करते हैं, फिर अपने गायों को प्यार। तो दोस्तों, देखा आपने महादेव शिव की भक्ति। अगर कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें याद करे तो महादेव मदद के लिए खींचे चले आते हैं। तो आप भी एक बार सच्ची श्रद्धा से महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा।